मुझे सत्या अंकल के घर लेकर चलोगे प्लीज? मुझे आई को ये वाली साड़ी गिफ्ट करनी है। किसी और दिन दे देंगे, ठीक है? आज नहीं। नहीं बाबा, मुझे आज ही आई को ये वाली साड़ी गिफ्ट करनी है। पहले से ही मेरी मम्मा चली गई है और अब मैं आई को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ तो अब मना कर रहा हूँ। बाबा ये ठीक नहीं है, ऐसे तो मेरी आई भी मुझसे दूर हो जाएगी। विराट, पत्र लेखा के जाने के बाद विनू बहुत परेशान हो गया था। बड़ी मुश्किल के बाद संभला है वो। फिर से वो परेशान हो गया, उसने स्ट्रेस ले लिया तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर वो चाहता है कि तू उसे सही के पास ले जाए तो ले जा। सत्या, ए सत्या। आ गया, आई आ गया। मुझे भी दो मिनट सबर नहीं है, मैं तेरे पास आ ही रहा था अभी। सबर कैसे होगी सत्या? देख, मैंने पहले ही तुझे बोला था ना कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये वट सावित्री की पूजा हमारे घर में पहली बार हो रही है। बहुत सारी औरतें आने वाली है, उनका उपवास भी है, इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ फल और नारियल पानी ला के रख। लाया तू? सॉरी सॉरी आई, वो जल्दबाजी में ना मैं भूल ही गया। ये देवा, क्या करूं इस लड़की का, एक काम ढंग से नहीं करता। आई तो गुस्सा क्यों करती है, मैं बस अभी दो मिनट में लेकर आता हूँ। अरे थाम थाम थाम, ये पकड़। ये श्रृंगार की थाल पहले सही को दे के आ और उसे बोलना कि जल्दी से तैयार हो जाए, दो घंटे में पूजा का मुहूर्त है। हाँ, और उसके बाद जाकर फल और नारियल पानी लेके आ। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये श्रृंगार का थाल आई ने भिजवाया, कहा कि तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, पूजा के लिए घर पर लोग आने वाले हैं। ठीक। अरे बेवकूफ, जो बात करने आया था वो तो कर। कुछ कहा क्या? हाँ नहीं, वो ये साड़ी लाया था मैं तुम्हारे लिए। आज के दिन पति पत्नी को गिफ्ट देते हैं ना, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें साड़ी गिफ्ट कर दूँ। मेरी दी हुई साड़ी पहनोगी ना? ये गिफ्ट वगैरह ये सब सत्या, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ हाँ, पता है कि हमने दिखावे के लिए शादी की है, लेकिन ये बात मेरे घर वाले तो नहीं जानते। जिनके लिए हमें दिखावा कर रहे हैं उनके लिए तो हम पति पत्नी है ना, तो थोड़े दिन तो करना पड़ेगा। और क्या एक दोस्त अपने दोस्त को गिफ्ट नहीं दे सकता? दोस्त अपने दोस्त को गिफ्ट दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम, मेरा मतलब आई को भी अच्छा लगेगा कि तुम ये साड़ी पहनोगी, और अगर मेरी देवी साड़ी मेरी दोस्त पहनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पहनूंगी।
अंदर जाकर अपनी आई को साड़ी दे आओ, मैं ये रुका हूँ। क्यों बाबा, आप क्यों नहीं आ रहे? नहीं, वो एक अर्जेंट कॉल करना है ना, आप जाओ मैं यही हूँ। ओके। हाँ, कौन है? बेटा, आपको किससे मिलना है? मेरी आई से, सही जोशी, वो घर पे है। अच्छा, तुम बीनू हो ना? आपकी आई अपने रूम में है, तैयार हो रही। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हो, आओ मैं लेके चलती हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं वीनू के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ओके, थैंक यू। आई, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। मेरे लिए गिफ्ट? हाँ, मामा के लिए ही साड़ी आई थी, लेकिन वो तो, लेकिन अब आप मेरी आई बन चुकी हो, तो आपके लिए ये गिफ्ट। थैंक यू बाड़ा। तो देखे, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आई, आज आपकी पूजा है ना, मेरी आई बनने के बाद ये मेरी तरफ से आपका पहला गिफ्ट है। मैंने पहले आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप ये साड़ी पहनो। पहनोगी ना आई? आज के दिन पति पत्नी को गिफ्ट देते हैं ना, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें साड़ी गिफ्ट कर दूं। मेरी दी हुई साड़ी पहनोगी ना? बोलो ना आई, आप ये वाली साड़ी पहनोगी ना? बताओ ना आई, क्या आज आप ये वाली साड़ी पहनोगी? हाँ पहनूंगी, बिल्कुल पहनूंगी। मेरा बेटा मेरे लिए पहली बार गिफ्ट लेकर आया है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? थैंक यू आई। अरे थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आप कितनी सुंदर साड़ी लाए हो और आपने मेरे बारे में सोचा। थैंक यू वीनू। वैसे इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से खरीदी? मैं आई को कैसे बताऊं कि मैं उनके लिए सोच पाता, उससे पहले हरिनी दीदी ने मुझे आइडिया दे दिया। ये सच बताया तो आई को बुरा लगेगा। बोलो शैतान, कहाँ से खरीदी इतनी अच्छी साड़ी? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर की थी। गुड जॉय। अरे वैसे आप आए कैसे यहाँ पे, अकेले आए हो? बाबा के साथ। बाबा के साथ? बाबा कहाँ हैं आपके? वो बाहर रुके, उनका एक अर्जेंट कॉल था, मैं उनको अंदर बुला कर लाऊं? नहीं नहीं बाड़ा, सच में अर्जेंट कॉल होगा, उन्हें परेशान मत करो। ओके। ये आपका रूम है, आप यहाँ डॉक्टर सत्या के साथ रहती हो? बीनू, डॉक्टर सत्या और तुम्हारी आई की शादी हुई है ना, और हस्बैंड और वाइफ तो साथ में रहते हैं, है ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चीवड़ा और करंजी लेकर आई हूँ, आपको करंजी पसंद है ना? हाँ। वेरी गुड, तो आप ये खाओ, मैं बाहर जाती हूँ, तब तक आप अपनी आई के साथ बहुत सारी बातें करो, मुझे आज बहुत सारा काम है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अब मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ बाबा,
बड़ा अगर आपका काम हो गया हो तो चले, मुझे काम पर जाना है। हाँ बाबा, बस आ रहा हूँ। अरे अब मुझे जाना होगा, बाबा को काम से जाना है। अब ठीक है, मैं बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। चल आ जा। बाबा, आई को साड़ी बहुत पसंद आई। क्या बात है, बहुत सच धज के कर रही हो अपने नए पति के लिए लंबी उम्र की पूजा। भगवान को इंप्रेस करना है किसी और को? चलो वीनू। विराट, तुम्हें काफी गहरी चोटें आई हैं, तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। इस परवाह के लिए थैंक यू मिसेज अधिकारी, लेकिन ये जख्म उन जख्मों के आगे कुछ भी नहीं जिनसे मैं दोस्ती कर बैठा हूँ आजकल। चोटों का दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो रह रहे के मेरे दिल में उठता है। आप अपनी पूजा कर लीजिए, मैं खुद का ख्याल रख लूंगा। देवा, सई कितनी सुंदर दिख रही है ना। सत्या सई को इस साड़ी में देखेगा तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। तेरा मतलब है और पागल हो जाएगा? हाँ। ऐसी क्या खास बात है इस साड़ी में? अरे खास नहीं बहनी, बहुत खास है। आपकी बहू ने ये जो साड़ी पहनी हुई है ना, ये उसे आपके बेटे ने गिफ्ट की है बड़े प्यार से। सत्या ने सई को साड़ी दी है भाई। कल रात को ना बेचारा परेशान था, बोल रहा था कि सई ने मेरे लिए व्रत रखा है तो उसे मैं क्या गिफ्ट दूं, सई को क्या पसंद है पता है? पूछ पूछ के ना उसने मेरा दिमाग ही खा लिया था। फिर मैंने उसे आइडिया दिया कि जा और सई के लिए साड़ी लेकर आ, उसे वो गिफ्ट कर। हाँ, और साड़ी देने के बाद उसका चेहरा देखना चाहिए था आपने। वो नर्वस भी था और एक्साइटेड भी, वो जैसे क्लास के टॉपर्स नहीं होते एग्जाम से पहले। ठीक वैसे ही। अरे वाह अम्बा, मैं ना कहती थी कि थोड़ा सबर रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा इन दोनों के बीच। दोनों को किसी की नजर ना लगे बस। अरे नहीं अजी, किसी की नजर नहीं लगेगी, और सत्या की नजर सही से हटेगी नहीं। और हटेगी भी क्यों, पति ने पत्नी को इतना सुंदर तोहफा जो दिया है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सत्या भी चाहता है उसकी दी हुई साड़ी पहनूं, और फिन भी चाहता है। बताओ ना, क्या आज आप ही वाली साड़ी पहनोगी? मेरे बेटे ने पहली बार मुझे कोई तोहफा दिया है, पहली बार वो अपनी आई के लिए साड़ी लेकर आया है। मैं वीनू का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं तो यही साड़ी पहनूं। मैं जानती हूँ सत्या को बुरा लगेगा, लेकिन ये भी जानती हूँ ये बात और जज्बात दोनों समझ जाए। नमस्कार प्रतिभा ताई। नमस्ते। नमस्ते ताई। अरे वाह अम्मा, आज पहली बार तेरे घर में वट सावित्री की पूजा होने जा रही है। खूब प्रभात है,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने कभी वट सावित्री का उपवास नहीं रखा, लेकिन आज मेरी बहू वो कमी पूरी करेगी। अरे प्रतिभा जी, आप तो बिल्कुल चमक रही हो। हाँ, लगता है आप दो बार नहाई है। हाँ, नहीं तो क्या, तेरी तरह नहीं, दो महीने में एक बार नहाए। क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ प्रभाते, आप बाहर जाकर पूजा की तैयारी कीजिए ना, हम लोग बस आते हैं। अब चलो। क्या देख रहे हो वहाँ? हाँ? अरे बहनी, कोने में खड़ा और प्यार में डूबा आदमी और क्या ही देख रहा होगा, क्या ही देख रहा होगा। फिलहाल तो दो लोगों की नौटंकी देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, अब तो दुनिया की सारी कमियां हम में और सारी खूबियां सही में। हम कहाँ और सही कहाँ, हम अमावस की काली रात और सही, क्या बात क्या बात। अरे हम तो फर्श पे पड़ी हुई गंदी दरी और सही, आसमान से उतरी हुई परी। हम मिट्टी हम धूल और सही, गुलाब का फूल। बस करो मेरी माँ, मुझसे होगी बहुत बड़ी भूल। जा जा जा, तुझे माफ किया। अरे हम समझ सकते हैं ना तेरी बेकरारी। कितना तरस रहा होगा तू अपनी बीवी को देखने के लिए। इन यो दी हुई सारी। Am I right, Mr. मजनू? तुम लोग बिना कुछ भी। अरे सही आ गई। सुधर जाओ तुम लोगों। आप कितने सुंदर लग रहे हो। सभी तू भी कुछ भी बोलती रहती है। सत्या, ये तो वो साड़ी नहीं है जो तू लाया था। विनु दादा, ये देखो, आई ने आपकी दी हुई साड़ी पहनी है। रुको, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ताई, थोड़ी देर पहले ना विनु घर आया था, ये साड़ी सही को उसी ने गिफ्ट की है, वरना इसके पहले तो सही ने सत्या की गिफ्ट की हुई साड़ी ही पहनी थी। वाओ, एकदम बहुत 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 अच्छी लग रही है। सच में सही भाभी बहुत सुंदर लग रही है। मेरी आई सबसे अच्छी लग रही है। आई, अश्विनी काकू ने ये साड़ी अपनी बहू के लिए ली थी। भले ही सही भाभी शादी करके दूसरे के घर में चली गई, लेकिन वट सावित्री को उन्होंने साड़ी तो चव्हाण की दी हुई ही पहनी। ये बात तूने बिल्कुल सही करेक्ट बरोबर बोली करिश्मा। मीनू दादा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे पूजा की तैयारी देखनी है ना। ओके सभी, आई मैं पूजा की तैयारी देख के आई। जिस पति के लिए उपवास रखा है, कम से कम आज के दिन तो उसकी बात मान लेती तू। अरे इसने कितने दिल से, कितने प्यार से तेरे लिए साड़ी लाया था, लेकिन वो भी तू पहन नहीं पाई। सही, मैंने तुझे बताया था कि अपने अतीत को भूलकर अपने आज पर और आने वाले कल पर ध्यान दे, लेकिन नहीं, अतीत का भूत तो तेरे सर से उतरता ही नहीं है। इसीलिए तो सत्या की दी हुई साड़ी ना पहनकर अपने पहले पति की दी हुई साड़ी पहनी है तूने। देख इसे, देख कितना उदास हो गया ये।
लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो खुश है ना अपने पहले पति की दी हुई साड़ी पहनकर? नहीं, ये साड़ी मुझे मेरे बेटे ने दी है, मेरे एक्स हस्बैंड ने नहीं। अच्छा, बतख को तैरना सिखाएगी तू? हाँ, तुझे क्या लगता है यहाँ पे बेवकूफ लिखा है? भले तेरा बेटा तुझे ये साड़ी थमा गया हो, लेकिन दी तो तेरे पहले पति ने ही है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।